नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर अविनाश। और लुल्लू जी के इंटरव्यू के बाद आज फिर मुलाकात हो रही है, और आज लेकर आया हूं ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर आपके होश तो उड़ी जाएंगे, साथ ही आप कस लेंगे अपने कच्चे का नाड़ा। जी हाँ, ये खबर ही कुछ ऐसी है। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे अजीब व गरीब चोरी की। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे अजीब व अमीर चोरी की, जिसमें चोरी हुआ है एक कच्चा। जी हाँ, ये कच्चा कोई मामूली कच्चा नहीं है। इस कच्चे की कीमत है 2 करोड़ रुपए, और ये कच्चा है दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन कच्चा उतार का। इसकी इतनी महंगी कीमत का कारण है इसके कुछ अनोखे फीचर्स। इसके अंदर की ओर लगे हैं ताज़ा पीपल के पत्ते, जो आपके शरीर को अंदर तक पहुँचाएंगे ठंडी फ्रेश हवा, जिससे आपकी त्वचा रहेगी तरोताज़ा। इसकी बाहरी ओर लगी है कुछ लहराती जुल्फे, जो लोगों के असली जुल्फों को भी फेल कर देंगी लहराने। यह अखबार से एक जगह से फटा हुआ है, जिससे आपकी दिखावटी अमीरी भी छलकती रही। इस चोरी का इल्जाम लगा है उन्हीं के पर्सनल सेक्रेटरी रामकिशोर पर, और ये केस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी आज कार्रवाई होगी एक अनोखे अंदाज में ऑनलाइन अदालत में, जो कि है आज ठीक दोपहर 12 बजे लाइव। तो मिलता हूँ आपसे उसी ऑनलाइन अदालत में ठीक 12 बजे। तब तक बने। अरे लुल्लू, तेरी गाय भैंस तो ले जा यार। अरे करके सारे काम पड़े मर जाने, उसको फांसी देके जल्दी आ। अरे अभी करके आ रहे ना। अरे अभी अरे अरे चलो सुन करो। बिन दिमाग बिन सुराग, सजाग की माँ तारीख पे तारीख पधार रहे हैं। अरे कितनी बार का है नेटवर्क लगा ले, पैसे ले ले, पैसे नेटवर्क लगा ले। तू नेटवर्क नहीं चलता तेरा। केस शुरू किया जाए। जज साहब, केश आने की तरह साफ है। दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन कच्चा उतार ने अपने लिए एक कच्चा खरीदा, जिसकी कीमत थी 2 करोड़ रुपए। और जब इसका पता उनके पर्सनल सेक्रेटरी यानी पीए राम किशोर को चला, तो उन्होंने एक प्लान बनाया और सही मौका देखकर उन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप पीए राम किशोर को सख्त से सख्त सजा दें। जज साहब, हम काहे चुराएंगे इनका कच्चा। जज साहब, हम मालिक का कच्चा काहे चुराएंगे। जज साहब, हम तो कच्चा भी नहीं पहनते। जज साहब, हमने नहीं चुराया। जज साहब, इस बात का क्या सबूत है कि तुम कच्चा नहीं पहनते? अरे साहब जी, हमारे पास है ना सबूत। अभी 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 देखिए, ये देखिए साहब जी, हम नहीं पहनते कच्चा। साहब जी, हम नहीं पहनते। अरे पहन के रखा है कच्चा तुमने? ये साहब जी कच्चा नहीं, तो चड्डी है साहब जी, चड्डी। अरे बेशर्म, अदालत की लाज मर्यादा है या नहीं तुम्हें? बिचारे आम लाइव अदालत में कच्चा चड्डी दिखा रहे हो तुम? बिल्कुल से। अरे पापा, आपकी चड्डी छूक गई, अब आप आके पहन लो उसको। अरे आराम, मैं क्या अदालत में हूँ यार। अपनी बात को साबित करने के लिए जज साहब, मैं अपने पहले गवाह शंपू दूध वाले को बुलाना चाहूंगा। पेश किया जाए, पेश किया जाए उन्हें। नवकाता, तब मैं इनके यहाँ दूध देता हूँ देर मिला के। सर, दह मिला के मैं तकिया कलाम है सर। ये भी कोई तकिया कलाम होता है? आगे बढ़ो। सर, मैं कच्चा उतार के दूध डालने गया। कच्चा उतार के दूध देता तू? अरे कहाँ से लाए इसे? अरे अब ये मत कह देना कि ये भी तकिया कलाम है। तब मालिक का नाम है कच्चा उतार के। अरे छोटो, अरे केस के बारे में कुछ बताया क्या? केस के बारे
बारे में बताइए हमें। अरे इतना गंदी नस्ल के, आए 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 आए, दो मिनट में आए। रोटी भी जानते, गोल रोटी भी ना एकदम। कार्रवाई शुरू की जाए, कार्रवाई शुरू की जाए। शंभू जी, आप अदालत को बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ये चोरी पीए राम किशोर ने ही की है। तब हमने देखा ये पीए बाबू फोन पे बात कर रहे थे, और ये ऐसा ही बोल रहे थे कि हमको बहुत डर लग रहा है, कौन गलती हो गई तो, और ऐसे कि हम पकड़े गए तो क्या होगा साहब, चोरी इन्होंने किया था। अरे डिफेंस वाले से मैं पूछना चाहूँगा, आपके पास कोई सुराग गवाह है? बाकी मैं इनको इस आधार पे जेल डाल सकता हूँ। अरे डिफेंस है यहाँ पे, कोई डिफेंस नहीं है क्या? तो सब हम यही है, हमारे बस थोड़ा सा हाथ बखराब आज आए तो मुझे। साहब हम फोन पे ऐसा जरूर बोले थे, लेकिन साहब हम हमले दोस्त पे बात कर रहे थे, वो कच्चे की चोरी की बात नहीं कर रहे थे साहब, हम तो ये बात कर रहे थे हमारी एक दोस्त उससे कैसे बातें करे। अच्छा हम आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। गर्लफ्रेंड की फोटो हमें भी दिखाओ ना। अभी अभी दिखी साहब फोटो, दिखी कैसी है साहब, कैसी है? ये बेटी है हमारी, प्रोसिक्यूटर कवा ले गया इसको, फांसी 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 की सजा होनी चाहिए इसको, वही बेटी से बात कर। साहब हमसे गलती हो गई, हम कभी बात नहीं करेंगे साहब उससे कभी, हम अभी नंबर डिलीट कर देंगे साहब, हमसे गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। हम हमारा एक काम वापस करना चाहेंगे। डिसमिस, डिसमिस। जो काम वाली भाई है इनके, उन्होंने खुद आंखों से देखा क्या हुआ था, तो हम उनको पेश करना चाहेंगे। जल्दी बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ। भाई पधार रही है। अब बड़ा चल गया तेरा नेटवर्क, अब बड़े सिग्नल आ रहे थे नेटवर्क के। तो हमारे काम वाले भाई आतिया खंडाला यहाँ पधारे, आतिया खंडाला उनका सरने में कोई जवाब सवाल जवाब नहीं, तो आइए। मैं बोलेंगे, मैं बोलेंगे जज साहब, मैं बबीता जी की कसम खा के कहती हूँ, जो बोलूंगी सच बोलूंगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। देखिए यहाँ पे घूंघट हटाना पड़ेगा ताकि हम चेहरा देख पाए, चेहरा नहीं सच सच देख पाए। घूंघट, घूंघट उतारने के अलग से पैसे लगी, मेरे को इतने ही पैसे मिले। कौन से पैसे? एक्टिंग करने के पैसे मिले मेरे को, और एक्टिंग भी अच्छी करानी है तो और पैसे देने पड़ेंगे, एक्टिंग घटिया करूंगी नहीं मैं। अरे किसे किसे ला रहे हो तुम लोग, दरबारी निकलो इसे। अरे इसने तो जज साहब को ही निकाल दिया। अरे यही है पोता मारे। अरे हमसे और किसने नहीं लड़ा देगा, हमसे लड़ा देगा, अब तुम लड़ो और अब क्या है। जज साहब, इस गवाह के बारे में मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई और गवाह होगा, मैं अपने आखिरी गवाह जो ये साबित करेगा कि चोरी इसी ने की है उसे पेश करना चाहूंगा। तो जज साहब अपनी दिल की धड़कने छाम के बैठ जाइए, आ रहे हैं निर्जले बाबा। बोलो निर्जला बाबा की जय। तो बाबा जी अदालत को बताइए कि ये छोरी इस पीए ने कैसे की। तो जज साहब सुबह हकते हुए
हमारी तीसरी आंख खुली और हमने देखा कि कमरे में लगा था ज़ाइलो कंपनी का ताला। गेट की वारंटी नहीं दी थी कंपनी ने साला। दीवार में सीमेंट में कम था मसाला और यहाँ चोर वही है जो कि बॉक्सर पहनने वाला। इसे फांसी दी जाए, इसे फांसी दी जाए। अरे ओ सड़े हुए कच्चे, ये नाके से चट्टी बनाया कौन देगा अपनी। अरे गए नहीं तुम लोग अभी तो? अरे वोट मांगने नहीं आया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना।